सेक्टर 93 में आपको चारों तरफ देखोगे आप तो आपको पूरी हाई राइज की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हाई राइज है, आप मेरे इधर देखो, ये बेस्टेक का संस्कृति है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट देख सकते हो, मेरे पीछे पूरी हाई राइज प्रॉपर्टीज मिल रही है। सिग्नेचर ग्लोबल का अपना एक अफोर्डेबल भी है ऑर्चार्ड के नाम से, तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल फ़ायदे में जाने वाले हो, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा आने वाले समय में। और अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को आकर देखें, प्रैक्टिकली इस चीज़ को सही से देखें और हमारी वीडियो में बने रहे। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे जो प्रोजेक्ट है वो 17.5 एकड़ के अंदर बन रहा है, बट क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट में कितना जो रोड की कंस्ट्रक्शन है वो कितने एकड़ में है, जो क्लब हाउस बन रहा है वो कितने एकड़ में है, एक एक चीज़। निकल पड़ा हूँ फिर से आज मैं एक नए सफर के लिए, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 93 सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ की कंस्ट्रक्शन अपडेट। काफ़ी लोग हैं जो ये बार बार कह रहे थे कि यार कंस्ट्रक्शन अपडेट बताओ, 93 में क्या चीज़ें हो गई हैं, तो आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा और साथ ही साथ इसकी पोजीशन डेट बताऊंगा, फेज़ वन का कब है, फेज़ टू का कब है, और प्रोजेक्ट रिव्यू बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के एकड़ के बारे में, कितने एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है। 17.5 एकड़ के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ आपको मिल रहा है 213 BHK। सिग्नेचर ग्लोबल के सभी प्रोजेक्ट में जो वो चीज दे रहे हैं बिल्कुल सेम है, मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर को बेसमेंट मिल रहा है विथ ऑफिस सेटअप के साथ, और फोर्थ फ्लोर वाले को मिल रहा है रूफ राइट। जी हाँ, यहाँ पे भी सेम वही स्पेसिफिकेशन है। अब सिग्नेचर ग्लोबल 17.5 एकड़ के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट तो दे रहा है, बट आपको अब समझना है इस 17.5 एकड़ के अंदर आपको क्या क्या चीजें कैसे मिल रही है, मीन्स दैट कि जो रोड बनेगा वो कितने एकड़ के अंदर है, क्लब हाउस आपको कितने एकड़ में मिल रहा है, जो आपका घर कंप्लीट जो सोसाइटी में घर बन रहे वो कितने एकड़ के अंदर है, 8 एकड़ के आसपास वहां पे पूरा घर आपको मिल रहा है, जो रोड की कंस्ट्रक्शन है वो 4 एकड़ के अंदर है, और क्लब हाउस आपको मिल रहा है करीबन 2 एकड़ के अंदर। आपके स्क्रीन पे भी मैं चीज दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सही तरीके से, इसका ब्रेकअप कोटेशन है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन USP है वो है इसकी लोकेशन, 84 मीटर वाइड रोड पे बिल्कुल आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। अगर आप आएंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आसपास जो है कितनी अच्छी डेवलपमेंट है। सबसे मेन चीज जो इसकी सबसे पावरफुल चीज है वो है DLF गार्डन सिटी यहाँ पे है, मीन्स दैट की DLF है, यस DLF के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपके सामने बेस्टेक का भी प्रोजेक्ट है। अब देखिए DLF है तो डेवलपमेंट तो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, रोड का जो वाइडनेस है वो काफी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि DLF बहुत अच्छी तरह रिसर्च करता है फिर जाकर वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर आता है। DLF एक ब्रांड है, और साथ ही साथ अब सिग्नेचर ग्लोबल भी उसी राह पे निकल चुका है, जो आज के टाइम पे ब्रांड है आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले ही उनका IPO आया था, और क्या सक्सेसफुल उनका IPO रहा है। आसपास की अगर लोकेशन की और बात करें तो काफी हाई राइज बिल्डिंग्स वहां पे मिलेंगे आपको, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काफी नामी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स वहां पे DLF बेस्टेक अंसल ये सारे वहां पे है, एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स कि आपको आसपास काफी अच्छा फुटफॉल मिलने वाला है। आपको अपने ही सोसाइटी के अंदर कमर्शियल शॉप्स मिलेंगी, तो आपको जो डेली रूटीन में जो सारी चीजें हैं वो आपको अपने जो सोसाइटी के इनर में वो सारी फुलफिल आपको वहीं से हो जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स की बात करें तो बिल्कुल आसपास नियर बाय 3 to 5 किलोमीटर के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही है। अब बात करते हैं बिल्कुल मेन चीज की, कंस्ट्रक्शन अपडेशन। जी हाँ, काफी मेरे यूजर्स है जो कमेंट रेगुलर मुझे कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन अपडेट लेकर आओ कि वहां पे कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, स्टेटस क्या है। देखिए A1 से लेके A18 तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, A19 से A39 में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, A40 से A51 तक में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, F9 से F12 में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, उसके बगल वाली जो यूनिट्स है उसमें भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो फेस वन में जितनी भी यूनिट्स है वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे लेवल पे स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यूनिट के बारे में बताऊं तो जितनी जल्दी हो सके मुझे कमेंट में अपना यूनिट नंबर भेजे, मैं आपको स्पेसिफिक उसका आंसर दूंगा, आपका जो यूनिट है उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेशन क्या है। जितनी जल्दी हो सके कमेंट करें मुझे और कंस्ट्रक्शन की अपडेट जल्दी से जल्दी अपने तक पहुंचाए। इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के लोग होंगे, पहले वो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना घर ले लिया है, और दूसरे वो जो प्लान कर रहे हैं। अब देखिए इनके माइंड में ना एक कॉमन चीज घूम रही है, वो है एप्रिसिएशन की। जिन्होंने ले लिया वो ये सोच रहे हैं कि एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो लेने का प्लानिंग कर रहे हैं वो ये जरूर प्लान करेंगे कि यार यहाँ पे एप्रिसिएशन है या नहीं है।
और साथ ही साथ इनके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेंटल इनकम यहाँ पे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो चलिए इन दोनों सवालों को मैं आपको जवाब देता हूँ। एप्रिसिएशन अभी गुड़गांव में आना है, और बात रही इस न्यू गुड़गांव की, तो न्यू गुड़गांव में तो एप्रिसिएशन बहुत भर भर के आने वाला है। क्यों? क्योंकि गुड़गांव में अभी मेट्रो की जो फैसिलिटी है वो सही तरीके से है नहीं। हुड्डा तक यहाँ पे लास्ट मेट्रो है, बाकी जितनी भी मेट्रो है वो अभी प्रपोज्ड है। रोड यहाँ के उतने खास बने नहीं है, काफी गड्ढे आपको मिलेंगे, जो इनका जो पॉइंट ऑफ रोड का स्ट्रक्चर है वो भी इतना भी खास नहीं है। तो ये सारी चीजें सही होनी बाकी है। सबसे मेन तो ये देखिए, यहाँ पे मेट्रो आना बाकी है। मेट्रो जैसे ही हर सेक्टर से होकर निकलेगा जहां जहां प्रपोज्ड है, तो वहां पे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही। काफी लोग कहते हैं कि गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड पे अब एप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो मैं बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ कि एप्रिसिएशन तो यहाँ पे अभी बाकी है। अब बात करते हैं रेंटल इनकम की। तो 93 सेक्टर आप जब भी आएंगे देखने, तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे काफी अच्छे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में काफी लोगों ने रेंट पे अपना घर लिया हुआ है। जो रेंटल इनकम यहाँ पे स्टार्ट है 2 BHK का, अगर आप अच्छे सोसाइटी में लेते हैं तो 10,000 रुपए का आपको 2 BHK मिलेगा, और 3 BHK आपको 12 से 15,000 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे रेंटल इनकम भी अभी बहुत अच्छी है।